नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। कल पंचायत सचिव अभ्यर्थी मानव श्रृंखला प्रोजेक्ट भवन के सामने बनाने वाले थे। कल भारी बारिश होने के कारण इन लोगों की मानव श्रृंखला तो टूटी, लेकिन 144 धारा भी लागू कर दिया गया था और इस धारा के कारण कुछ पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को गिरफ्तार भी किया गया था। तो आइए उन अभ्यर्थियों से जानते हैं जिनको गिरफ्तार किया गया था। कल आप लोगों ने मानव श्रृंखला बनाया था, वो बारिश के वजह से टूटा या फिर 144 के वजह से? ना तो बारिश की वजह से टूटा, ना 144 की वजह से टूटा था। वो मानव श्रृंखला चूँकि जितने भी पुलिस प्रशासन वहाँ पहुँचे थी, उन्हें अपनी ड्यूटी करने में असुविधा हो रही थी। वो नहीं चाह रहे थे कि हम लंबे समय तक यहाँ पे ड्यूटी में रहें, और इसलिए जबरन हमारी श्रृंखला को तोड़ने के लिए, क्योंकि बारिश जब हो रही थी तो वो लोग भी हमारे साथ भीग रहे थे ना, तो वो नहीं चाहें कि हम ड्यूटी ऑन ड्यूटी रखें, इनके साथ भीगें। और ज़बरदस्ती हमारे साथ बलपूर्वक कार्रवाई किया गया। पुलिसिया दमन जो होती है, किसी भी तरह का कोई कसर नहीं छोड़ा गया और हमें ज़बरदस्ती वहाँ से घसीटते हुए गाड़ी में बैठा दिया गया और हमें फिर ले जा करके थाना में 4 घंटा हिरासत में रखा गया। आपको भी गिरफ्तार किया गया? बिल्कुल, मुझे ही गिरफ्तार किया गया और मेरे साथ 3 महिला अभ्यर्थियों को भी गिरफ्तार किया गया। उसके बाद फिर जब बारिश और होने लगी तो उसके साथ फिर एक जीप फिर से गिरफ्तार किया गया। तो मतलब कि देखा जाए तो कम से कम 10 से 12 स्टूडेंट्स को कल गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा हठधर्मिता अपनाते हुए तोड़ने का प्रयास किया गया, ये कहते हुए कि तुम अभी ये सारे चीज़ों को छोड़ो और वापस अपना धरना स्थल जाओ, नहीं जाओगे तो तुम्हारे ऊपर FIR करेंगे। मैंने कहा कर दीजिए, तुम्हारे ऊपर ये करेंगे वो दिस दैट मारपीट वगैरह सब करेंगे, तुमको समझा रहे हैं, समझने का प्रयास करो। जब नहीं समझे तो फिर 2 बहनों को और पकड़ के लाया गया और ये धमकाया गया कि अगर नहीं जाओगे तो फिर इन लोग के ऊपर FIR करेंगे, इन लोग का ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे हम। तो फिर ऐसे सिचुएशन में मुझे अपने आप को कंप्रोमाइज़ करना पड़ा और फिर धरने को हमें वहाँ से लेकर के वापस आने लगे, और फिर माननीय आलमगीर आलम साहब के आवास पहुँच के हम लोगों ने वहाँ धरना दिया। मानव श्रृंखला फिर से बनेगी? मानव श्रृंखला नहीं, बल्कि चूँकि हमारा जो ये आंदोलन है लगातार सत्य अहिंसा और शांति के मार्ग पर चलते हुए अब तक का सबसे बेहतरीन आंदोलन रहा है, और हम उसी मार्ग पर चलते हुए गांधीवादी तरीके से हम लोग 3 मार्च को जो सत्र चल रहा है वहाँ पे 3 मार्च को हम लोग ये आपस में निर्णय लिया गया है कि 3 मार्च को हम लोग एक मानव श्रृंखला बनाते हुए हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। फिर 144 लग जाएगा, फिर आपको लगेगा चाहे जो होगा सर, मरता क्या नहीं करता। अगर सरकार अगर चाहती है कि हमें मार दे तो हम मरने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं मरने के लिए। और इसीलिए सबसे हमारा अपील भी है, सभी साथियों से भी अपील है कि 3 मार्च का जो तिथि तय किया गया है आप बिल्कुल उसे चूके ना, क्योंकि सभी मंत्रियों और विभाग के स्तर से ये आश्वस्त करा दिया गया है, क्योंकि कल कैबिनेट में हमारे जो विभाग के मंत्री हैं माननीय आलमगीर आलम साहब, फिर उनके जो बहुत ही अच्छे मित्र हैं बादल पत्रलेख जी, और तमाम कांग्रेस के 4 मंत्री, और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री और माननीय हाफिजुल हसन जी थे, फिर हमारे जगन्नाथ महतो जी थे, सब लोगों ने निर्णय लिया कि अभ्यर्थी लंबे समय से परेशान हैं, इनकी नियुक्ति होनी चाहिए। और इसीलिए उन लोगों ने भी ये कहा है कि इसकी नियुक्ति करवाने के लिए हम लोग अपने विभाग के सचिव से, यानी कि ग्रामीण विकास विभाग के सचिवों को बुलाया गया और उन्हें सौंपा गया कि क्या आखिर अभी तक से इसमें खामियां हैं, त्रुटियां हैं, उन तमाम विसंगतियों को दूर करते हुए इनकी नियुक्ति कराई जाए। प्रोजेक्ट भवन के सामने जो कल मानव श्रृंखला बनाया गया था, इस वजह से कल कुछ अभ्यर्थियों को भी गिरफ्तार किया गया था, धारा 144 लागू कर दिया गया था। रांची से सहयोगी सोनू पांडे के साथ मैं राशिका बजाज, जीएन भारत। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।